नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक मूवी की, नाम है U571। ये आई है नेटफ्लिक्स पे और इसको डायरेक्ट किया है जोनाथन मोस्टॉव ने। दोस्तों ये एक सबमरीन मूवी है और यहाँ सारा झगड़ा एक मशीन को लेकर के चल रहा होता है। ये मशीन है एनिग्मा मशीन, जो कि जर्मन लोगों के पास है। और ये मशीन जो है वो एक ख़ास मशीन है, ये संदेश भेजती है जिसको कि क्रैक नहीं किया जा सकता या जिसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, और दूसरे देशों के लोग ये मशीन हासिल करना चाहते हैं। इसी दौरान होता यह है कि जर्मनी की एक यू बोट होती है U571, ये क्षतिग्रस्त हो जाती है, ब्रिटिश हमला इस पर होता है और फिर इसके लिए फिर रिपेयरिंग की मांग की जाती है। इधर अमेरिकन लोग एक प्लान बनाते हैं, वो ये सोचते हैं कि वो U571 तक जाएंगे सहायता के ऑफर लेकर के या जर्मन बेस्ड लेकर के, और उस सबमरीन पर वो कब्जे जमा लेंगे, वो मशीन हासिल कर लेंगे। और दोस्तों फिर क्या कैसे होता है ये तो आप इस मूवी में ही देखेंगे। दोस्तों ये जो फिल्म है ये आप कहिए कि बहुत कंट्रोवर्सियल भी रही है। इसमें बहुत सारे तथ्य ऐसे दिखाए गए हैं जिसको लेकर के कि बहुत ऐतराज़ जताया गया है, और ये बताया जा रहा है कि इसमें बहुत सारे तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ की गई है। ये मामला इतना बड़ा हो गया कि ब्रिटिश संसद में भी ये मामला उठा था। लेकिन दोस्तों अगर आप इसके जो फैक्ट्स हैं इसको अगर चेक ना करें तो एक अच्छी सबमरीन मूवी आपको यहाँ दिखती है, और जो भी चीज़ें होनी चाहिए सबमरीन को लेकर के वो सब यहाँ दिखता है, कि पानी के अनंत गहराइयों में जाना या फिर सोनार पे कुछ संदेश पकड़ना, टॉरपीडो का हमला या जीवन मृत्यु के बीच झूलते हुए कई दृश्य, ये सब चीज़ें आपको इस फिल्म में दिखती हैं। दोस्तों ये जो फिल्म है एक मिशन को लेकर के शुरू होती है और इस मिशन को एक अच्छे ढंग से अंजाम भी दिया जाता है। हालांकि यहाँ स्क्रीन प्ले में कुछ चीज़ें आपको ज़रूर ही लगती हैं जो कि आपको लगता है कि बनावटी हैं या बढ़ा चढ़ा करके दिखाई जा रही हैं, लेकिन दोस्तों ये जो फिल्म है ये काफ़ी इंगेजिंग है, और अगर आपका इंटरेस्ट इस तरह की फिल्मों में है तो आप ज़रूर ही इसको देखना चाहेंगे और ये आपको बहुत मज़ा भी देने वाली है। और दोस्तों देखिए, अगर आप करेक्टर्स के हिसाब से देखें तो यहाँ बहुत सारे करेक्टर्स को बहुत डिफाइन नहीं किया गया है और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। ये सब लोग वो हैं जो अपना भूमिका अदा कर रहे हैं अपनी, या अपने हिस्से का युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो एक है एंड्रयू टायलर, जिनको कि हीरो के रूप में पेश किया गया है, और इनका जो करेक्टर है ये ज़रूर यहाँ अच्छे ढंग से दिखाया गया है। यहाँ जो भी कलाकार आपको दिखते हैं वो सब ने अपना काम ठीक ही कर लिया है। और दोस्तों यहाँ देखिए कि ज़्यादातर हिस्सा जो है ये युद्ध का है या बीच बचाव का है, और तकनीकी रूप से इसको काफ़ी सपोर्ट किया गया है। तकनीकी तौर पे ये जो फिल्म है ये एक अच्छी फिल्म है, और यहाँ खास करके इसके जो साउंड डिज़ाइन है और जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है उसकी आपको तारीफ करनी पड़ेगी। बेहद ही खूबसूरत ढंग से इन्होंने अपना काम किया है। तो दोस्तों ये जो मूवी है ये है करीब 2 घंटे की, बहुत छोटे बच्चे के साथ तो आप नहीं देख सकते क्योंकि इसमें वायलेंस भी है और कुछ अल्कोहल वगैरह भी है, लेकिन वैसे ये फिल्म जो है एक साफ सुथरी फिल्म है, इंगेजिंग और अच्छी फिल्म है। तो दोस्तों इस फिल्म के लिए मेरी रेटिंग रहने वाली है 5 में से 3.5 की। तो दोस्तों U571 के बारे में आज इतनी ही बात। आप मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए, और सब्सक्राइब यदि नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर ही करिएगा। धन्यवाद।